अब यहाँ पे कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स की हैं, लेकिन इसमें सप्लायर्स नहीं लिखे हुए आगे, सप्लायर्स नहीं है। अब्बास काजमी और मोहम्मद बिलाल, जी सर, सप्लायर नहीं लिखे हुए इसमें, वो आगे लिंक किए हुए, ज्यादा नहीं है, दो के किए हुए, लेकिन लिखा नहीं हुआ। एक मिनट, नहीं आ रहा इसमें, दोबारा पेस्ट कर दीजिए भैया। तो ठीक है, अब्बास काजमी के आ रहे हैं ईबे, आप है? ठीक है, तो ईबे सप्लायर है, ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या ईबे जो सप्लायर है ये अथेंटिक सप्लायर है कि नहीं। अथेंटिक सप्लायर में आप आते हो और आप इसकी प्रोडक्ट्स देखते हो, तो देखते हो कि यह क्या ये एक ही कैटेगरी के आइटम्स बेच रहा है, जैसे ये वाला सप्लायर एक कैटेगरी के आइटम बेच रहा है, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको फॉर द ट्रायल बेसिस, जो भी सप्लायर समझ ना आए कि ये सप्लायर ठीक है या नहीं ठीक, तो हम उसको ट्रायल बेसिस पे मतलब एक दो ऑर्डर्स लगा के उसको चेक कर लेते हैं, अगर वो एक दो ऑर्डर्स प्रोसेस कर देते हैं तो हम उसको फर्दर यूज कर लेते हैं। बाकी आ जाए जो ये बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड जो सप्लायर है ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं, मतलब रीसेल फ्रेंडली नहीं है। इसमें एक बेड बाथ एंड बियॉन्ड मैं नाम ले रहा हूँ, दूसरा मैं टारगेट का नाम ले रहा हूँ, तीसरा मैं पेटको ले रहा हूँ, और चौथा मैं चेवी ले रहा हूँ, CHEWY। ये जो चार पांच सप्लायर्स हैं ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं है, एक ये चेवी ये वाला, ठीक है जी, ये मैं लिख के भी साथ दिखा रहा हूँ आपको, पेटको, टारगेट और बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ये ऐसे सप्लायर्स हैं जो ड्रॉप शिप फ्रेंडली नहीं है, मतलब रीसेल फ्रेंडली नहीं है। जब आप इनको ज्यादा ऑर्डर्स लगाते हैं तो ये आपके ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, जब ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो मुस्लिम हमारे भी कस्टमर्स खराब होते हैं। यूएसए में है, यूके में कोई ऐसे खास सप्लायर नहीं है जो ड्रॉप शिप फ्रेंडली ना हो, हम तकरीबन सब सप्लायर यूज कर लेते हैं। जैसे ये वाली आइटम है जोसेफ एंड जोसेफ की, इन्होंने लगाई है, ये मुतासिम अली, ठीक है जी, इनकी जोसेफ एंड जोसेफ की आइटम। अब ये वाली जो आइटम है ये कहने को इसका बाय बॉक्स भी सप्रेस्ड है और ऑल ओके है, बच भी रहा होगा, लेकिन शायद इसपे सेल्स कम आए, उसकी वजह ये है कि इसमें वेरिएशंस बहुत है। जिसमें ये ग्रीन कलर है इसमें लास्ट 27 का बिक रहा है, शायद ये वाला ग्रीन सस्ता हो, शायद ये वाला जो है दूसरा कलर सस्ता हो, तो मतलब आप इसलिए, जैसे ये 18 का है तो वो शायद ये 24 का ना ले, वो 18 वाला ये ले ले, ठीक है, तो उसको कोई खास जरूरत नहीं है कि वो शायद यही वाला कलर, तो जो ये वाला कलर लेगा शायद उसको जरूरत हो तो वो यही वाला 27 की ले ले, इसलिए ये आपका जो है वो आप जब वेरिएशंस बढ़ जाती हैं तो उसमें ये इशू आ जाता है। बाकी ये वाला यहाँ पर अमेजोन का लिंक नहीं है, अमेजोन का लिंक दोबारा कॉपी कर दें। अच्छा, अब ये वाला जो सप्लायर ये यूज कर रहे हैं ये वो सप्लायर है जो कि उस ब्रांड की ओरिजिनल वेबसाइट है, आप ये यूज कर सकते हैं, मतलब ये ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर प्रोसेस भी कर देती हैं और ये वो खास प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करती, तो आप ये वाले सप्लायर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये सप्लायर है जो 74 का ये सेल कर रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे भी जो आपने ये बताया वेरिएशन वाला बताया, हमें वेरिएशन तो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, हम उसमें से कैसे डिटरमिन करेंगे कौन से वेरिएशन पे सेल आ रही है। नहीं, अवॉइड नहीं करने को मैं कह रहा, मैं शुरू में कह रहा हूँ कि जब शुरू में आपकी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कम होती हैं तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हो कि आपने कुछ लिस्टिंग्स लगाई हैं और आपको ऑर्डर आए, लेकिन अगर कुछ लिस्टिंग्स पे ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर आप देख रहे होते हो कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, तो आप कोशिश करें कि शुरू में वेरिएशन कम पे जाए, बाद में वेरिएशन ज्यादा पे चलते हैं। हीलियम सब पे ऐसे ही है, BSR तकरीबन सबका सेम आता है, लेकिन वो सेल्स डिफरेंट करती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वो खरीदने जा रहा हूँ तो शायद मैं जो है वो ये वाला ना खरीदूं, मैं साथ वाला खरीदूं, जैसे ये 27 का है वो शायद सस्ता था,
फिटिंग का था, तो वो 10-11 पाउंड का फर्क है, तो मैं मतलब वो ले लूंगा, ठीक है, 9 पाउंड का फर्क है, तो मैं मतलब उसमें कोई खास, अब ये वो वाली आइटम है तो शायद इसके अंदर मुझे कुछ बहुत ज्यादा मैं इसी पे जाने को तरजीह ना दूँ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये फ्लेवर होता है, वो कैट फूड का फ्लेवर होता है, वो मतलब उसने वही लेना है क्योंकि उसकी जो कैट है वो यही फ्लेवर ले रही, तो शायद वो ये ले लेता। लेकिन जो ये वाला है, इस तरह का जो बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड जो लिखा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तो कलर की कोई ज्यादा है, SSD में कलर का कोई इशू नहीं है ये, बस और तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन सेल्स आएंगी, कम आएंगी, बस सेल्स आएंगी, ये तो उनका सेल्स में आ सकते हैं, कम आएंगी। अच्छा, आगे जो है, हमने जो हंटिंग की थी पहले, वो हमने ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स को हंट किया था, मतलब ब्रांड को एनालाइज किया था, ब्रांड के बाद हमने प्रोडक्ट्स को हंट किया था। अब हम कीपा पे चलते हैं और ला दो चल। अच्छा, ये वाला जो सप्लायर मैंने भी ओपन किया था, ये सप्लायर का जो एड्रेस आ रहा है, ये चेक रिपब्लिक का है शायद, किसी और का है ना, मतलब स्लोवाकिया का है किसी का है, तो मैं इसकी बजाय मैं वो वाला सप्लायर सेलर यूज करने की कोशिश करूंगा जिसका एड्रेस यूके का आ रहा हो। जैसे ये आया, इसका ये सेलर आईडी है, ये मैं सेलर आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं कीपा पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी मार्केट सेलेक्ट करता हूँ जो के है यूके, डाटा, प्रोडक्ट फाइंडर, यहाँ पर वो सेलर आईडी पुट इन कर देता हूँ, ये वाली यहाँ पर। अब इसकी 3300 आइटम्स आ गए। अब यहाँ पर आप फिल्टर लगाते हैं, अब ये वो है जिसमें आप ब्रांड को आप छोड़ चुके हैं, अब आप उसके बाद मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आप इस स्ट्रेटेजी को, इसे कहते हैं सेलर स्निपिंग मेथड, सेलर स्कैनिंग मेथड, के एक सेलर को स्कैन करते हैं उसकी प्रोडक्ट्स के लिहाज से, उसकी प्रोडक्ट मतलब जो जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है उसके लिहाज से हम इसको स्कैन करते हैं। इसमें फर्स्ट फिल्टर लगा देते हैं कि अमेजोन उस पर आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, तो आपकी वो 1600 आइटम्स रहेगी जिसमें ये सेलर बेच रहा है लेकिन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो फाइंड प्रोडक्ट्स। अब ये आ गया, अभी काफी सारी आइटम्स आ गई जिसके अंदर जो है वो अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पर कंट्रोल सी, अब यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं प्राइस वाइज, कि उसकी जो प्राइस है वो less than 80 pounds होनी चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेटर देन इतनी होनी चाहिए, रेंज लिख सकते हैं कि उसकी प्राइस जो है वो 20 से 30 के दरमियान होनी चाहिए। इस फिल्टर में जो आपने अभी स्कैनिंग की है उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा फिल्टर लग जाएगा प्राइसिंग का, अगर आप प्राइसिंग लगाना चाहते हैं। अब बात यह है कि प्राइसिंग कितनी लगानी है, प्राइसिंग आपने उतनी प्राइस पे आप सेल कोशिश करें बेचने की जो प्राइस पे अगर कोई रिफंड रिटर्न आ जाए तो आपको मसला मसला ना आए। होता ये है अक्सर कि जब कोई रिफंड या रिटर्न आ जाता है किसी सप्लायर पे, तो आपको आपकी जेब से पैसे भी चले जाते हैं कि आपने आइटम भिजवा भी दी खरीद के, लेकिन आफ्टर दैट ये हुआ कि वो कस्टमर ने कहा कि मुझे नहीं मिली, तो वो या टूटी भी मिली कोई भी, और उनके वो उसको मिली नहीं है, तो आप उसका रिटर्न भी अरेंज नहीं कर पा रहे, तो आपको आपसे आपकी जेब से पैसे वो जाया हो गए, तो ये भी हो जाता है इसमें, ठीक है, तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो न्यू बीज होते हैं उनके लिए कोशिश, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो है वो less than 100
डॉलर्स या लेस देन 100 पाउंड, लेस देन 100 यूरोस की प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें ताकि ज्यादा लॉस ना हो आपको, आपको कोई इतना ज्यादा, अगर आप ज्यादा बड़ी आइटम पे जाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ यही बात कि आपको लॉस कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट पे क्लिक करके यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि लेस देन 9 सेलर्स हों, लेस देन 10 सेलर्स हों, कोई भी फिल्टर आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड को भी आप यस कर सकते हैं कि उसका बाय बॉक्स क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, यहाँ पर अपनी मर्जी के आप फिल्टर जो है वो लगा सकते हैं। मतलब इस वक्त अनक्वालिफाइड, तो आप इसको फिल्टर अपनी मर्जी से, ये वाला फिल्टर जो जो आप चाहें इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग का, नंबर ऑफ सेलर्स का, बाय बॉक्स का, सेल्स रैंक का, रिव्यूज का, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा फिल्टर आप लगा सकते हैं, तो जो चाहें आप इस पर फिल्टर लगाते हैं। अब ये आइटम जैसे मिल गई, अब इसको आप गूगल पे सर्च करें और जिस जिस वेबसाइट से ये मिल रहा है उस वेबसाइट से इसको सोर्स करने की कोशिश करें, जिस वेबसाइट से सोर्स हो जाए गो ऑन, ठीक है। उसको टेस्ट करें विद अ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर लगा के टेस्ट करें एक। अब जब सप्लायर की जब टेस्टिंग होती है, अब आप तमाम लोग क्योंकि एलीट में आए हैं और आप तमाम लोगों का माइंड ये होगा कि आप लोगों ने एजेंसीज को बनाना है, मतलब एजेंसीज को क्रिएट करना है, तो एजेंसीज की जो क्रिएशन है उसके अंदर जो है जो ज्यादा अच्छी एजेंसीज वगैरह चल रही हैं, जो ज्यादा जिनका अच्छा जिनकी आउटपुट है, उसके अंदर वो R&D भी कर रहे होते हैं छोटे सप्लायर्स के ऊपर। R&D का डिपार्टमेंट बना देते हैं, एक या दो लोगों का मतलब टीम बना दी, वो टीम क्या करती है कि वो डिफरेंट सप्लायर्स, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वो टेस्ट करती रहती है और वो अपनी एजेंसी को उसकी आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उनको एक सप्लायर मिला कि जिनसे प्रोडक्ट मिली, उन्होंने वो प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा के कुछ ऑर्डर्स ले लिए, 2 ऑर्डर्स ले लिए, 3 ऑर्डर्स ले लिए, 10 ऑर्डर्स ले लिए, ठीक है। कुछ ऑर्डर्स लेके चेक किया, उन्होंने देखा उनको पहली स्टेज में 2 ऑर्डर्स लगाए, अब उस वेबसाइट ने 2 ऑर्डर्स प्रोसेस कर दिए, फिर उन्होंने उसके ऊपर 50 ऑर्डर्स लिए, 10 ऑर्डर्स लिए, 20 ऑर्डर्स लिए, ठीक है। वो उन्होंने ऑर्डर प्रोसेसिंग कराई, अगर वो भी ऑर्डर प्रोसेस हो गए, फिर तीसरा उन्होंने 100 ऑर्डर्स लगवा दिए, ठीक है। उन्होंने उसको टेस्ट किया कि क्या ये हमारी एजेंसीज का बोझ मतलब बर्दाश्त कर लेगा, सप्लायर ऐसा है तो वो जिस कैपेसिटी का होगा उसके बाद उसको मेन स्ट्रीम में अपने सप्लायर की लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि ये सप्लायर हंटिंग वालों को दे दिया कि ये सप्लायर जो है ना आज के बाद आप यूज करें कि हमने इसको टेस्ट कर लिया होगा। इससे क्या होता है कि आपको ऐसी ऐसी रिसर्च के थ्रू ऐसे सप्लायर्स मिलते हैं, ऐसे आपको जो है वो ब्रांड्स मिलते हैं, ऐसी मार्केट्स को आप अनलॉक कर लेते हैं जो पहले आम लोग नहीं कर रहे। आम लोग जो हैं, जो आम ड्रॉपशिपर है, जो आम पर्सन अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए आता है, वो सीधा अमेजोन USA जाता है, वॉलमार्ट स्कैन करता है, सैमसंग स्कैन करता है, दैट्स इट। उसके लिए सारी ड्रॉपशिपिंग इन पे है, लेकिन अमेजोन के ऊपर टोटल 350 मिलियन आइटम है, ठीक है। तो आप लोग जब रीसेलर होते हो तो आप ब्रांड्स पर सर्च करते जाओ, देखते जाओ और उसको लिस्ट करते जाओ, ठीक है। आप मुख्तलिफ ब्रांड्स को रीसेल कर सकते हैं, उसको आप सोर्स डिफरेंट वेबसाइट से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने वॉलमार्ट से ही करना है, जरूरी नहीं है कि हमने सैम्स क्लब से ही करना है, ये भी जरूरी नहीं है कि हमने स्पेसिफिक कोई सप्लायर को यूज करना है। आपके पास ये ओपन एंड है, आप उसको यूज कर सकते हो। एक तो ये है, आप R&D भी साथ साथ करते जाएं ताकि आपको जो है उसमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकलेगी जो पहले नहीं थी। उसके बाद जो भी सप्लायर मिले, जो भी प्रोडक्ट्स मिले, अब जैसे ये है, होता ये है कि जब आपका जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, मतलब आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है और अभी आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग मतलब अभी न्यू अकाउंट है, तो आप ब्रांड सॉफ्ट अप्रूवल के थ्रू जाते हो और कुछ ब्रांड्स लिस्ट करते हो और कुछ सेल्स देते हो, 3-4 माह 5 माह तक आप उस अकाउंट को एज करते हो विद फ्यू सेल्स हिस्ट्री और कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स और लिमिटेड एसेंस के साथ। जब एजिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर आप नंबर ऑफ लिस्टिंग्स को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ लिस्टिंग को इंक्रीज कैसे किया जाता है? आप क्या करते हो कि आप जो है वो कुछ सप्लायर को, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की, जैसे जेनेरिक है, मैं अगर इसको देखूंगा कि इसमें मुझे कौन सा सप्लायर टेस्ट करना है, तो मैं जो है वो इसके अंदर ये वाला सप्लायर इसलिए टेस्ट करूंगा क्योंकि ये इस लिस्ट में जो लिस्ट आ रही है सेलर्स की, इसमें ये सबसे हाई प्राइस पे बैठा हुआ है। अगर ये हाई प्राइस पे बैठा हुआ है, जब मैं इसको स्कैनिंग करूंगा तो मुझे इसको में से अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं क्योंकि इसका बिहेवियर ये है कि ज्यादा प्राइस पर आइटम्स बेचता है।
कंपटीशन तो अगर हम इसको स्कैन करेंगे हमें इसमें से आइटम मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब इसको ओपन किया, शायद मैंने पहले भी ओपन किया था, प्रोडक्ट्स को ओपन किया। अब जैसे पहले भी मैंने इसी को ओपन किया था, ठीक है, इसको हम स्कैन कर रहे हैं। अब आप इसको अपनी मर्जी से फिल्टर लगाना शुरू कर दें। अब आप देखें जैसे ये वाला सप्लायर है, अब ये मुझे ड्रॉप शिपर लग रहा है, ये वाला ना, ये ड्रॉप शिपर ही है, और ये 4000 आइटम्स को लिस्ट कर रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल ड्रॉप शिपर है, ठीक है, ये 4000 प्लस आइटम्स को ये लिस्ट करके बैठा हुआ है। तो ये जो है ओल्डर ड्रॉप शिपर है, ज्यादा आइटम्स को लिस्ट कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं बाय बॉक्स मिल जाता है किसी पे जो है, तो ये इसको लिस्ट करता जा रहा है और सेल करता जा रहा है। तो नंबर, जब हमारी ड्रॉप शिपिंग पे जब सेल्स भी बढ़ती हैं, वो तभी बढ़ती हैं जब हमारी नंबर ऑफ लिस्टिंग्स इंक्रीज करती हैं, और नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हम लोग आफ्टर उसी के आफ्टर जो है वो एजिंग के पीरियड की ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे आप एडवांस फिल्टर पे आते हैं, अब जैसे जो मैंने फिल्टर लगाए थे वो यहाँ पर साथ साथ वो भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये सेलर था, आप सेलर आईडी यहां पर पुट कर दें। अब ये वो वाली आइटम्स दिखाएगा जो आइटम इस सेलर के पास बाय बॉक्स होल्डर है, बाय बॉक्स सेलर है ये, उन सब उन 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 आइटम्स पे फाइन प्रोडक्ट्स करेंगे। तो मुझे ये पता चला कि ये सप्लायर ज्यादातर हाई प्राइस पे बेचता है, ठीक है, तो मैं अब इसकी जो आइटम्स ओपन करूंगा, अब इसकी ज्यादातर आइटम्स के अंदर ये बाय बॉक्स होल्ड करके बैठा हुआ होगा, इसमें तो बाय बॉक्स इसके पास नहीं है, इसमें भी 21 शायद अभी बाय बॉक्स मिला होगा, खत्म हो गया होगा, तो इसको जो है वो अमेजोन ने बाय बॉक्स दोबारा कर दिया, जैसे ये वाला, अब इसको बाय बॉक्स मिला होगा 121 के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसी आइटम्स को डायरेक्ट लिस्ट करके लिस्ट कर देंगे, जैसी ऑर्डर आएगा इस पर वो करते जाएंगे, ठीक है। एक सप्लायर को वैसे मतलब ये इसमें दोनों में कॉलम चेक कर लेने आपने, कंफ्यूज नहीं होना। एडवांस फिल्टर में यहाँ पर अमेजोन मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया है फिलहाल, मतलब फिल्टर पहले लगाया, और उसके बाद मैंने एक दफा सप्लायर को यहाँ लिखा था, अब मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बाय बॉक्स इसके पास है, ठीक है, और दूसरी ये वाली प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ ये सेलर है, बाय बॉक्स इसके पास मर्जी है। अच्छा, अब ये हो गया Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब इसके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला भी लगा सकते हैं फिल्टर, आपके सारी आइटम्स ऐसी जिसमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो, ये फिल्टर है, और दूसरा ये Amazon जो है वो उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, तीसरा प्राइसिंग वगैरह का आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी मैंने लगाया था नंबर ऑफ सेलर्स का, वो भी आप लगा सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ ऑफर्स कितनी हो, नंबर ऑफ ऑफर मैक्सिमम उसमें 9 हो, मैक्सिमम 10 हो, आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइटम्स ढूंढते जाएं, उस आइटम को उस मार्केट में सर्च करते जाएं जिस मार्केट में जो है वो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद ये आपको एक मेथड समझ लगी जिसमें सेलर स्कैनिंग आपने इससे कर लेनी है। अच्छा, आप दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जिसमें दूसरा मेथड है, जैसे ये सेलर ओपन किया, इसके प्रोडक्ट्स पे आए, ये ज्यादातर ये कॉस्मेटिक बेच रहा है, और सेलर देख लेते हैं जिसमें कॉस्मेटिक के अलावा कोई आइटम बेच रहा हो। अब मैंने इसके ऊपर हीलियम 10 इंस्टॉल किया हुआ है, हीलियम 10 को क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। हीलियम 10 मुझे ये वाला डाटा दे रहा है, ठीक है, ये डाटा ये बॉक्स दे रहा है जिसके अंदर उसका
कैटेगरी का नाम आ रहा है, उसके नंबर ऑफ सेलर्स आ रहे हैं, बाय बॉक्स होल्डर आ रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास है, और उसकी वेरिएशंस आ रही है, मुझे ये बेसिक डाटा मिल जाता है। अब ये वाला जो डाटा है, ये वाला, ये क्योंकि इसमें तो आपको कीपा मिलता है, तो कीपा आपको सारा डाटा खुद ही फिल्टर कर देता है कि बाय बॉक्स किसके पास हो, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हों, वेरिएशंस कितनी हों, ये सारा आप कीपा के अंदर ही इसको सारा चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ना कर पाए तो आप मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स ओपन करें, तो जहां जहां पर, अब जैसे इसमें बाय बॉक्स एफबीए के पास है, एफबीए के पास है, एफबीए के पास है, ये मर्चेंट के पास है, मर्चेंट फुल एमएफएन का मतलब मर्चेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये इसको यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे प्रोडक्ट्स, तो आपने आर ई एफ से आगे यहाँ से, ये जहाँ से मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये इसको मैं डिलीट करके रिफ्रेश करूंगा, तो ये रिफ्रेश होकर पता चल जाएगा कि ये बाय बॉक्स ये 7.07 और ये इस सप्लायर के पास है, क्योंकि इसको 19 लोग बेच रहे हैं, तो मुझे पता है कि जहां पर 19 लोग पहले से सेल कर रहे हैं, तो मैं जब इसको सेल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मार्जिन नहीं बचेंगे और इसमें कंपटीशन हाई है, मैं और इसके अलावा आइटम सर्च करूंगा आगे। तो वन बाय वन आप मैनुअली भी इन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, मैनुअली भी हंट कर सकते हैं अगर आपके पास कीपा वर्किंग ना कर रहा हो। अब जो कीपा काम करता है, कीपा सिर्फ इन मार्केट्स में काम करता है, .com, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली और स्पेन, ठीक है, इसके अलावा इन मार्केट्स के अलावा वो काम नहीं करता। अब इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं दूसरी जगह पे, जब आप मार्केट में अपने सेलर्स मैपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अमेजोन नीदरलैंड है, अमेजोन नीदरलैंड ओपन किया, उसके बाद बेस्ट सेलर्स में आ सकते हैं, बेस्ट सेलर से भी हंट किया जा सकता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं जैसे बेस्ट सेलर्स में आए, कोई भी कैटेगरी ओपन की। अब इसमें हीलियम 10 के थ्रू मैं हंट कर रहा हूँ, मैंने कीपा के थ्रू हंटिंग नहीं कर रहा। अब इसमें अमेजोन है और एक ही सेलर है, अमेजोन है और एक ही सेलर है। चलिए इसको ओपन करते हैं सेल सिस्टमेटिक प्लेस में। अब इसमें सिर्फ अमेजोन ही सेल कर रहा है, ओके फाइन। मैं आता हूँ जिसमें थोड़े से सेलर ज्यादा हों, जैसे ये है, इसमें 3 सेलर्स बेच रहे हैं और इसमें भी जो है वो 3 सेलर सेल कर रहे हैं, इसमें भी 4 सेलर सेल कर रहे हैं, इसमें भी जो है वो 4 सेलर्स हैं, इसमें 8 सेलर हैं। अभी 8 सेलर्स हैं, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ये 74 की सेल हो रही है, 20 इस पे क्लिक किया, इस सेलर को स्कैनिंग करनी है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, अब इसकी 30,000 आइटम है। अब यहाँ पर इसको बाय इसके रेफरेंस से मुझे हीलियम 10 के रेफरेंस से हीलियम मुझे रिवील करता जा रहा है, तो मुझे देखने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पहले से 85 लोग बेच रहे हैं, मुझे इस प्रोडक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं वन बाय वन ऐसी आइटम पे जाऊंगा जिसके ऊपर कम लोग हैं। अब इसमें बाय बॉक्स होल्डर अमेजोन के पास है, इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं जाऊंगा या तो मर्चेंट के पास बाय बॉक्स हो या नॉट अवेलेबल हो, अमेजोन वन बाय वन हर पेज पे जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसके 400 पेज है, वन बाय वन हर पेज को मैं स्कैन करता जाऊंगा, तो जो सबसे पहला पेज, जो सबसे पहली आइटम है वो है जो सबसे ज्यादा बिक रही है, दूसरे नंबर पे वो जो उससे कम बिक रही है, जो तीसरे नंबर पे वो जो उससे कम बिक रही है, तो अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा इट्स मींस कि उसकी सेल्स कम होती जा रही है, मतलब उसका बीएसआर भी खराब है। हाँ जी हाँ जी हाँ। अब मैं सेलर को स्कैन करते करते वो आ रहा हूँ, जैसे इसके अंदर नॉट अवेलेबल है बैग बॉक्स NA, इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं आर ई एफ से आके इसको खत्म करूंगा, क्योंकि ये बाय बॉक्स इसी को दिखा रहा है एल बी वाई को, क्योंकि मैं उसको स्कैन करके जो आ रहा हूँ, तो मैं इसको डिलीट करके रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर ये बाय बॉक्स 27 लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है और ये बाय बॉक्स इसी को नहीं मिला हुआ और 33 का लोवेस्ट सेल बेच रहा है, तो मैं इसको इसलिए सेल नहीं करूँ कि पहले से 28 लोग बेच रहे हैं, 28 लोग बेच रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर शायद मुझे प्रॉफिट कम हो, ठीक है, अब मैं इससे अगली आइटम पे चला जाऊँ, क्योंकि इसको 28 लोग पहले, मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें कम लोग बेच रहे हैं, तो
वन बाय वन आप तमाम उस पे पेजेस ओपन करते जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें सेलर्स कम होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे, बाय बॉक्स भी जो है या मर्चेंट के पास होगा या अनअवेलेबल हो, अमेजोन के पास नहीं होगा। जैसे ये है, इसको 12 लोग बेच रहे हैं यहाँ पर। आप, मैं फिर आर ई एफ से आगे खत्म कर दूंगा, ऐसे रिफ्रेश अभी, ठीक है, मैंड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी प्रोडक्ट। मैं ये यूके का मतलब उसका नेदरलैंड का वीपीएन लगा के सर्च करूंगा तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब नेदरलैंड के ऊपर, जैसे नेदरलैंड की बात हो रही है, तो नेदरलैंड में एक सप्लायर है बोल.कॉम, ये एक वन ऑफ टॉप सप्लायर है इन नेदरलैंड, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी सप्लायर, और इसको आप यूज किया जा सकता है कि आप यहाँ से हंट करके यहाँ पे लिस्ट करते जाओ। जो छोटी मार्केट्स हैं इसमें कंपटीशन भी कम है, और इसमें जो है वो आपको ज्यादा बेनिफिट भी ज्यादा हो जाता है। अब हंटिंग का तरीका आपको समझ लगी कि सेलर को स्कैन कैसे करना है। सेलर को हीलियम पेन के थ्रू उस मार्केट में स्कैन किया जा सकता है जिस मार्केट में कीपा नहीं है। जिसमें कीपा अवेलेबल है उसमें आप कीपा के थ्रू सेलर आईडी एंटर कर दें, ब्रांड नेम एंटर कर दें, अमेजोन पे कोई फिल्टर लगा, उस पर कीपा पे फिल्टर लगाएं, उस लिहाज से आपको वो लिस्ट पूरी दे देगा कि ये आइटम आप आपके क्राइटेरिया पे आते हैं, उसको आप सर्च करना शुरू करते हैं। ओके फाइन, इससे आगे चलते हैं। जी, जो सही था वो इन मार्केट को मतलब इतना बड़ा टारगेट किस वजह से स्पेसिफिक रीजन एज सच मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब यही है कि वो उनका ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं उसकी तरफ उसको समझते, वो समझते हैं शायद ये छोटी मार्केट है, वो ये समझते हैं शायद, क्योंकि ज्यादातर लोग काम करें, जो एक ट्रेंड है वो यूएसए का ही है, हर जगह पे हर पर्सन यूएसए को ही प्रेफर करता है कि यूएसए ठीक है। उसकी वजह ये कि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत छोटी सी मार्केट है या ये जो मार्केट है ये कोई, लेकिन ये काफी बड़ी जो है वो सबसे बड़ी यूएसए है। तो लेकिन जो मेरा मानना ये है कि अमेजोन के आप रीसेलर हो, अभी आपके सामने नीदरलैंड के आइटम्स निकाल रहा हूँ मैं, वो बिक रही है, ठीक है। तो नीदरलैंड में भी ये जो ब्रांड्स हमने ओपन किए ये बिक रहे हैं, ये ऑलरेडी सेल हो रहे हैं ना, बेस्ट सेलिंग आइटम, उसका सेल्स रैंक 2 है 4 है 10 है, इट्स मीन्स के वो सेल हो रहा है, तो हम उसको भी रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको रीसेल करेंगे तो हमें वहां से भी सेल जनरेट हो सकती है, वहां से भी हम उसको कर सकते हैं। तो आप जो है वो छोटी मार्केट्स को एक्सप्लोर कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके यहाँ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कंफर्ट जोन उनके लिए यही है कि वो एक आइटम को सर्च करते हैं अमेजोन पे और उसी को सर्च करते हैं वॉलमार्ट पे या सैम्स क्लब पे, उनको मिल जाती है, बस वो बेचते रहते हैं, बस दैट्स इट। तो इस तरह पर मूवमेंट जो पर यूएस की अगर हम बात करें तो नो डाउट यूएस के अंदर सेल्स ज्यादा होंगे, लेकिन इन छोटी मार्केट्स में सेल्स कम भी हो तो ये बेस्ट सर्वाइवल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि सेल्स ज्यादा होने पे ये भी तो चांस है कि अगर लो कम है प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा। जी, अब आपको मैं मार्जिन दिखाऊं, इसमें चलिए थोड़ा ट्रायल दिखाता हूँ, न्यूजीलैंड में दिखाता हूँ। रेड बुल सर्च किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइटम देखें, ये बिक्री है 28 की, और ये आइटम बिक रही है, अब देखें इसमें 28 की मिली, 28 की खरीदी, और इसी जगह पे अमेजोन पे ये 41 जमा 70 शिपिंग, 70 पाउंड शिपिंग, 70 यूरो शिपिंग, कितना हो गया 41 प्लस 70, 111 की भेजी जितने की। अब इसके रिव्यूज भी ज्यादा हैं, 1600 रिव्यूज हैं, इसके रिव्यू 28, 28 की खरीद के अमेजोन से खरीद के अमेजोन पे बेचते, ठीक है। इसलिए इसमें इन मार्केट्स में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा। अभी तो आगे आगे चलेंगे तो ये सारी टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है, ये वाली अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्लास में, अभी हमने वो उनकी कोई सेकंड लास्ट थी तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया था, तो उसमें ये आइटम्स निकल आई हैं, जर्मनी में भी निकली थी, ऑस्ट्रेलिया में भी निकली है, यहाँ पे भी निकली। सर,
सिंपल प्राइम जो होता है जी जी कस्टमर जी वो उसी का क्लिक कर सकते को क्या करना है। अच्छा अब लिस्ट करते हैं आइटम्स को, लिस्टिंग की तरफ आते हैं, बेसिक सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। अब आपने कोई एसन बेचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सॉफ्ट अप्रूवल चेक करनी है, तो मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन पे आएंगे, यहाँ अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो जो जो ब्रांड आपके लिए अप्रूव है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो वो आपने कोशिश करनी है कि वही ब्रांड सेल करें जो पहले से अप्रूव है। एड प्रोडक्ट पे एसन पे क्लिक किया, सेल दिस प्रोडक्ट, न्यू कंडीशन, सेल दिस प्रोडक्ट। अच्छा अब सेल दिस प्रोडक्ट में आएंगे तो ये तीन चीजें रेड है, इसके अंदर उसकी प्राइसिंग आ गई, उसकी प्राइसिंग क्या है, हमने कितने में बेचना, लाइक उसकी जो लोएस्ट प्राइस है 33.55 है, 33.54 की मैं सेल करूंगा ऑब्वियसली। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे आपने सप्लायर पे, अगर वो सप्लायर आपके लिए न्यू है तो आप क्वांटिटी मिनिमम रखेंगे। हमारे पास जो काफी सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जो मिस्टेक की उन्होंने वो किया कि उनको प्रोडक्ट अच्छी मिली तो उन्होंने क्या किया कि शुरू में इन्वेंट्री 100 पीस लगा दिया, 130 पीस लगा दिया, तो उनको 130 ऑर्डर आ गए, लेकिन उनसे सप्लायर मैनेज नहीं हुआ, सप्लायर ने ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए, तो दो तीन चार ऑर्डर के बाद ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, तो 130 ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उनकी नेगेटिव फीडबैक, तो ए टू सी घंटी क्लेम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो अगर सप्लायर आपके लिए नहीं है, ओवरऑल नहीं मैं कह रहा, ओवरऑल तो सप्लायर अच्छा हो सकता है, पुराना हो सकता है, लेकिन अगर वो सप्लायर आपके लिए नया है, बिल्कुल नया सप्लायर है, तो हम जो है उसकी क्वांटिटी मिनिमम रखते हैं, 2 पीस रख लेंगे, 10 कर लेंगे, 5 कर लेंगे बस, ठीक है। जब सप्लायर आपने टेस्ट कर लिया, 2-3-4 दफा टेस्ट हो गया कि ये ठीक है, देन आप क्वांटिटी इंक्रीज कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो सप्लायर पुराना है, वो अच्छा सप्लायर है, लेकिन आप उसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, तब भी आप क्वांटिटी कम रखें। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कई दफा ऐसा होता है कि वो कार्ड नहीं चलता आपका, आपके पेमेंट मेथड नहीं चलता, आपका कार्ड डिक्लाइन कर रहा है बार बार, ठीक है, वो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्वांटिटी कम कर लें। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन, तो ऑब्वियसली हम न्यू कंडीशन में सेल करेंगे। अब यहाँ पर आ जाए मोर एट्रीब्यूट्स में, मोर एट्रीब्यूट्स में आते तो यहाँ पर दो चीजें, एक है हैंडलिंग टाइम और हैंडलिंग टाइम। अब हैंडलिंग टाइम क्या टाइम है, अब ये इसमें इसमें पढ़ लें अगर, तो ये आता है कि व्हेन ऑर्डर रिसीव और जो आपने शिप करना है उसके दरमियान का टाइम है, कि आज ऑर्डर आया तो मैंने इसको कितने दिन में शिप करना है, 2 दिन में करना है, 4 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, तो मैंने उसका हैंडलिंग टाइम उतने दिन डाल देना है, 4 दिन डाल देना है, 5 दिन, 3 दिन, ठीक। सप्लायर से चेक किया जा सकता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं आप एक स्टैंडर्ड टाइम डाल देते हो, ऑब्वियसली हर दफा आप सप्लायर से चेक नहीं करते कि यार ये सप्लाई कितने दिनों में शिप करेगा, आप एक स्टैंडर्ड डाल देते। दूसरा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है आपका, वो शिपिंग टेम्पलेट वही देगा, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। आप इसको सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग लग जाएगी। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप आए इसमें शिपिंग सेटिंग्स, शिपिंग सेटिंग में जैसे ये वाली बाय डिफॉल्ट मैंने ऐड की हुई है, इसलिए ये डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई भी थी, अगर मेरे पास दोनों है तो वो दोनों ड्रॉप डाउन में शो हो रही है, तो जो मैं चाहूँ मैं लगा दूँ। अब क्रिएट न्यू शिपमेंट टेम्पलेट में आए, क्रिएट करें जैसे आपके पास जो आपने क्रिएट करनी है। अब जैसे ये यूएसए का है तो मैं यूएसए की शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी इसका नाम रख लूंगा, कोई भी जो भी नाम रखना चाहिए इसका नाम रख लें। अब आ जाए इसमें फ्री इकोनॉमी, और फ्री इकोनॉमी में यहाँ पर 4 to 8 ट्रांजिट डेज आ रहे हैं, आप 4 to 8 कर लें, 3 to 5 डेज कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आगे स्टैंडर्ड, फ्री और स्टैंडर्ड में फर्क ये कि स्टैंडर्ड में आप शिपिंग प्राइस ऐड कर सकते हो, फ्री में आप शिपिंग प्राइस ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 2 to 4 डेज, 2 to 3 डेज, 5 to 8 डेज। अब यहाँ पर जो आप एडिट करके आप ये हवाई और अलास्का वाला ये सारा ऑफ कर देंगे पोर्टल के लिए, और आप सिर्फ लोअर 48 डेज तक करके बुक कर देंगे, ठीक है। ये सेटिंग आप समझ आ गई, आप ये करके इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद आ जाए एक्सपेडिटेड शिपिंग, एक्सपेडिटेड शिपिंग में ये है कि जिसके अंदर आप 1 to 2 डेज, 1 to 3 डेज आप ऑफर करते हो विद आप प्राइस ऐड कर देते हो कि इसकी इतनी प्राइस मैं लूंगा, तो होगा ये कि अब आप कस्टमर को 2-3 ऑप्शंस शो कर रहे हो, एक फ्री शिपिंग, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सपेडिटेड शिपिंग। वो तीनों शिपिंग्स हैं, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये जो है वो 4 से 8 दिन है, इसको आप बेशक 3 से 5 दिन कर लें, ये 2 से 4 दिन है, ठीक है जी, ये 1 से 2 दिन है, ये 1 से 3 दिन भी हो सकता है,
ठीक है, तो कहने का मकसद कि सबका, तीनों का आप देखें तो तकरीबन ट्रांसिट टाइम सेम है, ठीक है, तीनों का तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन एक फ्री है, एक स्टैंडर्ड है और एक एक पेड है, इसकी प्राइस मैंने ऐड कर दी है। तो जो कस्टमर ये वाली ऑर्डर करेगा तो आपको पता चलेगा ये कस्टमर ने ये वाली ऑर्डर की है, उसका ऑर्डर जरा पहले अपने सप्लायर को फुलफिल कर दें ताकि ट्रैकिंग नंबर पहले आ जाए, तो हम उसको पहले से फुलफिल कर दें। तो आप इस तरीके से जब कस्टमर को नजर आएगा, दो तीन ऑप्शन नजर आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप दो तीन ऑप्शन शिपिंग के अंदर उसको दिखा देते हैं, आप इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगी। आपकी जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड शिपिंग में इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिव होती है, आप इसको ऑफ ही रखेंगे ऐसे, जैसे मेरी ऑफ। अगर आप यूके की जब आप ऑफ बना रहे हैं शिपिंग सेटिंग्स, यूके की जब बना रहे हैं तो यूके के अंदर आप बीएफपीओ ऑफ कर देंगे, बीएफपीओ ब्रिटिश फोर्सेस पोस्ट ऑफिस। तो यहां पर जैसे मैंने पोर्टो रिको वगैरह ऑफ किया था, आप बीएफपीओ यूके में ऑफ करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ जाए जनरल शिपिंग सेटिंग्स। जनरल शिपिंग सेटिंग्स में अगर आप किसी और मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कनाडा में काम कर रहे हैं, आप मैक्सिको में काम करने लगे हैं, आप यूके के अकाउंट पर नीदरलैंड में काम करने लगे हैं, तो आपको शिपिंग एड्रेस के अंदर अपना एड्रेस एडिट करना पड़ेगा। आप एड्रेस एडिट करके आप उस कंट्री का कोई एड्रेस डाल देंगे, कोई भी वर्चुअल एड्रेस, कोई भी एड्रेस डाल देंगे, उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिट टाइम है, जो यहाँ पर 3 to 5 आ रहा है, वो आपका नॉर्मल 3 to 5 ही आएगा, वो 14 से 28 दिन शो नहीं करेगा। अगर आपका हैंडलिंग टाइम फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए ही है, आप कनाडा ओपन करेंगे, अगर आपका वहां पर शिपिंग एड्रेस में यूएसए का ही एड्रेस आ रहा है, तो आपका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेजोन का सिस्टम ये समझेगा कि आप यूएसए से कनाडा शिप डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस डालेंगे, ये एड्रेस अमेजोन वेरीफाई नहीं करता। जी एडिट में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेन सेटिंग है वो है ये वाली, ये सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, इसमें नो पिकअप, नो पिकअप लिखा हुआ है संडे, इसमें हमारे दोनों दिन ऑफ है। तो अब जो हमारा हैंडलिंग टाइम होगा वो क्या होगा, अब हैंडलिंग टाइम बाय डिफॉल्ट, हैंडलिंग टाइम मैंने 2 दिन किया है, तो आप बाय डिफॉल्ट 2 दिन या 1 दिन कर सकते हैं, 1 दिन कर लें या 2 दिन कर लें बाय डिफॉल्ट। तो जिस भी लिस्टिंग को आप लिस्ट करेंगे जिसके अंदर आप कोई भी सेटिंग नहीं कर रहे, ना 1 दिन कर रहे हैं ना, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 2 दिन शो होगा। अब 2 दिन होगा तो अब यहाँ पर मेरे जो ऑपरेशनल डेज हैं वो ये वाले हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, मेरा सैटरडे संडे ऑफ है। तो जो ऑर्डर मुझे फ्राइडे को आएगा, सैटरडे संडे ऑफ है, तो वो मैंने डिस्पैच करना है ट्यूजडे को, क्योंकि मेरा 2 दिन हैंडलिंग टाइम है। जो ऑर्डर मुझे मंडे को आएगा वो मैंने डिस्पैच करना है वेनेसडे को, ठीक है। तो मैंने सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ ही होता है, सब लोग ऑफ ही रखते हैं, उसकी वजह ये है कि ज्यादातर आपके सप्लायर्स संडे को सैटरडे को काम नहीं कर रहे, तो आपको भी टाइम मिल जाता है वीकेंड के ऊपर कि आप हंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। उसके बाद आगे चलते हैं ऑटोमेटिक प्राइसिंग पर। क्रिएट अ कस्टमाइज रूल, जब आप लिस्टिंग को लगा देते हैं आप रूल लिख लें कि रूल क्या है, हमारा रूल कंपैरेटिव फीचर्ड प्राइस है, कंपैरेटिव लोवेस्ट प्राइस है, कंपैरेटिव एक्सटर्नल प्राइस, कंपैरेटिव लोवेस्ट प्राइस को हम ज्यादातर करते हैं, और यहाँ पर इसका रूल का नाम लिख लें। प्रोसीड टू मार्केट सिलेक्शन डॉट कॉम है हमारी मार्केट, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मेन पेज है, इस पे आप सेटिंग्स करेंगे और आपकी ऑटोमेट प्राइसिंग कर लेंगे। आप कहेंगे कि स्टे बिलो द लोवेस्ट प्राइस, कि हम जो लोवेस्ट प्राइस से बिलो रहना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सेलर बेच रहा है 40 की बेच रहा है, तो हम उससे लो रहना चाहते हैं। कितनी अमाउंट लो रहना चाहते हैं हम लिख लेते हैं कि हम 0.01 सेंट लो रहना चाहते हैं, ठीक है, 0.2 सेंट, 0.3, जितनी भी आप लिखना चाहें आप प्राइसिंग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक आप कर सकते हैं कि ओनली सेम और बेटर कंडीशन, के वो भी न्यू कंडीशन में बेच रहा है, मैं भी न्यू कंडीशन में बेच रहा हूँ, तो हमें वो कम्पीट करे, यूज्ड कंडीशन वालों को हमारे से कम्पीट ना करे। उसके बाद ओनली ऑफर्स विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड, के वो भी एफबीएम कर रहा है, मैं भी एफबीएम कर रहा हूँ, एफबीए वालों से मेरी कंपटीशन ही ना हो। ओनली ऑफर फ्रॉम द थर्ड पार्टी सप्लायर्स, के जिस तरह मेरे जैसे सप्लायर जो दूसरे बेच रहे हैं उन्हीं से कंपेयर करे, वो अमेजोन के ऑफर के साथ मुझे कम्पीट ही ना करे।
उसके बाद डू यू वांट टू कंपेयर प्राइसेस दैट आर ऑफ ऑफ अमेजोन, के ऐसी प्राइसेस जो अमेजोन के बाहर, कि मैं वॉलमार्ट से टारगेट से कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, हम अमेजोन के विद इन अमेजोन ही कम्पीट करेंगे, आउटसाइड अमेजोन तो हम बाय करने वाले हैं, हम वहाँ कम्पिटिशन नहीं करेंगे। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू रीप्राइजिंग इफ यू अपडेट, तो यस कर सकते हैं कि वो अगर मैं कहीं अपडेट करूँ भी तो ये मेरी जो है ऑटोमेट प्राइजिंग एक्टिव रहे। सेव दिस रूल करें, प्रोसीड टू रेस्क्यू सिलेक्शन। अब यहां पर आप अपनी जो प्राइस है वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि इसकी प्राइस में इशू आ रहा है, ऑफर इज नॉट अवेलेबल का कोई इशू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो लिस्टिंग आप लगाएंगे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस लिखेंगे। आपकी प्राइस है $35, तो आप मिनिमम लिख देंगे $30, मैक्सिमम लिख देंगे $45, कि 30 से डॉलर से नीचे ना बेचने दे और 45 से ऊपर ना जाए। तो आप खुद स्पेसिफाई कर लेते हैं कि 30 के ऊपर मुझे 10% बचता है, तो आप लोएस्ट प्राइस लिख देते हैं और हाईएस्ट प्राइस लिख देते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन आएगा। तो ये प्राइस 30 से 45 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहेगी 1 सेंट के ऊपर। अब सेलर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 34 का बेच रहा है, तो मेरा जो अमेजोन का एल्गोरिथम है वो 33.99 कर देगा, ठीक है, वो 33.99 करेगा तो मेरा 33.98 कर देगा, 1 सेंट उससे कम होता जाएगा, 1 सेंट कम होता जाएगा पंद्रह मिनट बाद। जी, दूसरे बंदे ने भी ऑटोमेट प्राइसिंग, तो उसका जो लिमिट उसकी है वहां की उसकी रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने लोवेस्ट प्राइस लगाई थी $32, तो हमारा क्योंकि लोवेस्ट प्राइस $30 है तो हमारा 31.99 कर देगा। अगर उसकी लोवेस्ट प्राइस है $28 तो हमारा 30 पे आके रुक जाएगा, उसका 28 पे चला जाएगा, या तो उसका एक एक सेंट पे जिस तरह से हमने किया, तो ये फिर बाय बॉक्स 15 मिनट के लिए हमारे पास होगा, पत्र यानी बाय बॉक्स रोटेशन नहीं होगी इसमें, इसमें प्राइस कम रहेगी, तो प्राइस कम होगा बाय बॉक्स में, क्यों 1 सेंट पे नहीं मिलता, 1 सेंट पे नहीं होता वो, ज्यादा प्राइस कम हो तो फिर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो जो प्राइस रूल है वो आप कर सकते हैं और देन आपकी ऑटोमेट प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट होगी। इन्वेंटरी पे आते हैं, यहां पर इस पे क्लिक करें, आप यहां पर भी अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर आप जब मिनिमम प्राइस से बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो वो लिमिट यहां लगी होती है। तो ये कहां से ओपन होगी कि आप अपने एस के यू पे क्लिक करें, करने के बाद ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस अपडेट कर सकते हैं ताकि आपकी प्राइस अपडेट हो जाए और अब वो एरर ना दे कोई। डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर सीजनल ये खुद बढ़ा देता है प्राइस, नहीं, प्राइसिंग सेलर सेंटर में हमारे कंट्रोल में है, अमेज़न खुद कभी प्राइस नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर ऑफर्स आ रही हैं, अवेलेबल ऑफर्स के जी 10 है, आप पीसेस जितने बेचते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्वांटिटी का ये है कि आपने आपकी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वांटिटी आपने 10 पीस लगाए, आपके 8 पीस बिक गए, 2 पीस रह गए, फॉर एग्जाम्पल 2 रह गए, तो आप 2 को दोबारा 10 नहीं करेंगे, आप इसको खत्म होने देंगे, देन आप नई क्वांटिटी ऐड कर लें, 20 कर लें, 25 कर लें, 50 कर लें। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब आपने 10 पीस लगाए थे, 1 पीस बिक गया तो पीछे 9 रह गए, तो 9 को दोबारा 10 नहीं करना, फिर 9 रह गए, फिर 9 को दोबारा 10 नहीं करना, मतलब क्वांटिटी को फ्लक्चुएट नहीं करना, प्राइसिंग को जैसे मर्जी करें, प्राइसिंग का कोई इशू नहीं, प्राइसिंग को बेशक 1000 दफा चेंज करें, क्वांटिटी को बार बार चेंज करने से अमेजोन का एल्गोरिथम एक्टिव होता है और आपसे मैसेज डिमांड कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटी को बार बार चेंज नहीं करते हो, क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रहने देते हैं, खत्म होने दें, फिर नई क्वांटिटी ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पीस लगाए, आपके 10 पीस खत्म हो गए, अब आप बेशक 1000 पीस दोबारा डाल दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्वांटिटी की आपको समझ आ गई, इसके बाद अब आ जाएं योर इंफॉर्मेशन पॉलिसीज में, प्रोफाइल पे आ रहे हैं। अब जो इसका ये वाला पेज है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैसे, कि
कि आप ये करेंगे कि इस पेज पे आएंगे योर इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज में, यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में डाटा लिख सकते हैं जो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है व्हाट वी डू एंड ऑल दैट, ठीक है जी। और इसमें आप इन्फॉर्मेशन अपनी कर सकते हैं, अपना सेलर लोगो लगा सकते हैं, प्रोफाइल का लोगो लगा सकते हैं, और इसमें जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। अब आ जाए शिपिंग सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की जो शिपिंग पॉलिसी है वो ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की शिपिंग पॉलिसी को ऑल्टर कर लें, प्राइवेसी पॉलिसी को, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस को, जो जो ये जो 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 ये पेज है इसको आप ऑल्टर करने के लिए यहाँ पर आप योर इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज के अंदर आके आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इसके बाद है यूजर परमिशंस। यूजर परमिशंस पे आप लोग क्या करते हैं कि यूजर परमिशन में आपने जिस आइटम को परमिशन देनी है आप सिंपल उसका नाम और उसकी ईमेल आईडी लिख के इनविटेशन सेंड कर देते हैं। उस ईमेल आईडी पे एक इनविटेशन आएगा, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है वो इनविटेशंस मिल जाएगा, मतलब आपको एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है मैनेज परमिशंस में आके अपने वो जो है वो आपको परमिशन दे देगा कि आपको जो है वो एडमिन की परमिशन देनी है या व्यू एंड एडिट की परमिशन देनी है और किस किस बार की परमिशन देनी है, वो परमिशन दे के कंटिन्यू करेगा तो आपको यूजर परमिशन आ जाएगी। और एक चाइल्ड अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स की परमिशंस ले सकते हैं, जैसे इसके ऊपर 3 की मिली हुई है, आप 10 की, 20 की, 15 की चाइल्ड अकाउंट की के ऊपर एक अकाउंट की परमिशंस आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने आगे ये करना है कि आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है फ्रॉम सप्लायर, तो आप कोशिश करें कि डिफरेंट मार्केट में सप्लायर प्रोडक्ट हंट करें, मैक्सिको में करें, कनाडा में करें, यूके में करें, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अदर देन यूएस से हंट करने की कोशिश करें ताकि आपका हैंड जोन वहां पर हो, अगर आपको वहां पर कॉम्प्लिकेशन आए तो हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आप जो है वो प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, अभी तो किसी ने भी असाइनमेंट नहीं की, सिर्फ 2 लोगों ने की थी, तो आप जो है वो उसको रिपीट कर लें क्योंकि ये वाली असाइनमेंट्स आपकी जरूरी है, जब आप करेंगे तो आपका हैंड जोन होगा तो आपको ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज्यादा जो लर्निंग जो पॉलिशिंग होती है स्किल की वो विद प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से जितना आपको लर्न करने को मिल रहा होता है वो शायद आपको वैसे नहीं मिल रहा होता, तो आप इस पे प्रैक्टिस लाजमी करें। नहीं नहीं, आपने अब पहले ब्रांड से किया था, अब आपने सप्लायर से किया, किसी भी सप्लायर को ओपन करना है और उस सप्लायर से आपने करना है। बेशक आप इसी के नीचे कर लेंगे तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसी जो लिस्ट है ये मैं दिखा देता हूँ, इसके नीचे बेशक आप शेयर लिखते जाए, जी शाह जी, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कर लें, मैं उनके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपके क्या क्वेश्चन? अस्सलाम जी, एक मिनट वेट करें जी, बोले। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है लेकिन सेल्स आनी चाहिए, जब इंडिविजुअल के ऊपर सेल्स नहीं आती इसमें, वही सही ना, वो $1 काट लेता है, तो आप कोशिश करें कि उसको जो है वो प्रोफेशनल ही, ज्यादातर लोग प्रोफेशनल ही करते होते हैं। आपकी शीट से गायब हो गया? उसकी प्राइसिंग खत्म हो गई होगी, अमेज़न बेच रहा होगा पहले, अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा अमेज़न, हो सकता है ऐसा। क्या होता है आप बताएं क्या होता है? लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट स्टे टाइम होता है,
ठीक है। और जो है इसके अंदर ये उन लोगों के पास ज़्यादा होता है जिसमें चार फैक्टर हो, ऑन टाइम डिलीवरी रेट ठीक हो, उसका जो नेगेटिव फीडबैक ना हो, उस पर पॉजिटिव फीडबैक आए हो रिसेंटली, उसका ODR अंडर कंट्रोल हो, उसकी प्राइसिंग कम हो, उसका हैंडलिंग टाइम कम हो, उसके शिपिंग सेटिंग्स पे उसकी फास्ट शिपिंग हो, ये उनको मिलेगा। ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ODR, पॉजिटिव फीडबैक, प्राइसिंग, शिपिंग सेटिंग्स में शिपिंग का ट्रांजिट टाइम और हैंडलिंग टाइम। सब इसकी बेहतर है। अगर 10 लोग हैं तो ऊपर वाले 3 का बेहतर है तो हम कितने मैनेज स्पीड कर सकते हैं। यस हाँ जी ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछा कि आपने अपनी एक्सपीरियंस बताई थी अबाउट FBM ड्रॉप शिपिंग में कितना मैक्सिमम स्पीड थी, 1 साल 2 साल क्या क्या चलते हैं। चलते हैं 4 साल, 3 साल 4 साल चल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करें तो चल सकता है। वैसे जो एज है वो 5 मिनट भी नहीं है, आप लिस्टिंग करोगे विद इन 15 मिनट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि आपने जो है उस पर काम कैसे करना है। विद प्रॉपर स्ट्रेटेजीज करेंगे तो सस्पेंड नहीं होगा, विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजीज करेंगे तो वो बड़ी जल्दी सस्पेंड हो जाएगा। जी हाँ जी बोले। लास्ट सर, लास्ट बात तो ट्रैफिक की, जो न्यू कॉर्स होती है इसकी वो 2 साल जो कि आपके ट्रैफिक ऊपर डर्निंग के कोर्स में पहले मतलब 9 की 25 की 45 जी था। 9 लिस्टिंग्स है ना पर मंथ, पर मंथ वो मैंने 8 की है, कोई फर्क तो नहीं है। 2 लिस्टिंग्स पर वीक का है, मैंने उसको सेग्रीगेट कम कर दिया है, पर पर भी है वीक है वो। जी क्वेश्चन है सर, 22 का जो आजकल प्रॉब्लम आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर, जो काम हो रहा है नहीं सर, ये वाइस बैलेंस भी हमारा ले लेते हैं देखो, प्रोसेस में नहीं, और इसकी मेन रीजन क्या है इससे अगर कैसे आपने बैलेंस। कोई भी वो पर्सन यूज किया है जो के एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर वो होता है जो पेमेंट्स आपसे लेगा और यहाँ PKR में आपको दे देगा। अगर आप एक्सचेंजर्स को यूज करेंगे ट्रांसफर वाइज के साथ, तो ट्रांसफर वाइज जब उस एक्सचेंजर का अकाउंट ब्लॉक करेगा तो वो जिस जिस अकाउंट से उसको पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं उसको भी ब्लॉक कर देगा। इसलिए ट्रांसफर वाइज में आप कभी भी किसी एक्सचेंजर को यूज ना करें, मतलब किसी ऐसे थर्ड पार्टी पर्सन को यूज ना करें, ना उसको पेमेंट दें ना उससे पेमेंट लें। अपने सर्कल में अपने दोस्त को, अपने किसी साथी को दे दें जिसको आप जानते हैं, जो कि जो एक्सचेंजर नहीं है, जो प्रोफेशनली आपसे ये नहीं कहता कि मुझे पेमेंट दे दिया करो मैं आपको PKR में पैसे दे दूंगा। प्रोफेशनल लोगों से के साथ ट्रांसफर वाइज को ट्रांजेक्शन ना करें बस। ठीक है, तो इसके अलावा कोई मेथड है हम कैश करवा सकते पाकिस्तान में वैसे विड्रॉ करवा लें, अब तो वैसे ही वैट एग्जाम्प्ट, वो हमारा टैक्स एग्जाम्प्ट हो गया। हैं हम सारे हम लोग तो बैंक से मंगवाते हैं। सर, रिसेंट मेरा वो लास्ट क्लास में मैंने अभी आपको वेट कर लें फिर मैं देख। हाँ जी हाँ हमारे साथ ऐसा पूछा है जी, क्या आपने कभी पेमेंट की थी? सर बहुत थोड़ी एक की थी स्टार्ट में, ऑब्वियसली उसके अंदर जो स्पेंडिंग वगैरह करती थी हम डिपॉजिट करवाई थी एक कितनी? अकाउंट सर 350। बस वही है, वो ब्लॉक हुआ होगा, वही आपके ब्लॉक हुआ, उससे पूछे उसका ब्लॉक हुआ होगा। मेन वजह ये है, वो उससे बड़े स्ट्रिक्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं उनको। तो तो सर इसके ऊपर रीपिंग या कोई सोल्यूशन नहीं, है रीपिंग या कोई कुछ वो इसका पेमेंट दे देंगे आपको, पेमेंट तो दे देते हैं। नहीं, पेमेंट का नहीं, वाइस के अकाउंट का, क्योंकि और अगर कोई ऑप्शन नहीं है मल्टी करेंसी का। अकाउंट वो खोलते नहीं है UK में, अगर आपने करना है तो टाइड, पिंग पोंग, वर्ल्ड फर्स्ट ये यूज कर लें, ये आपको अकाउंट दे देंगे। सर सेम वीडियोस के द्वारा कौन ट्रांसफर वाइज का नहीं बनेगा, जी, लेकिन आप ये कर सकते हैं कंपनी चेंज करके, कंपनी मैंने चेंज बंदा वो सेम रहे और आप अप्लाई कर लें। मैंने कोई डिपॉजिट नहीं करवाया किसी एक्सचेंजर से, सिर्फ $20 मुझे वहां ने भेजे मेरे अकाउंट में, मेरा भी नहीं यूज किया बस अब एक बंद होता है ना फिर दूसरा भी बंद हो जाता है, मसला सर। ये है। मेरा इंडिविजुअल था, एक हमारा सेपरेट था बिजनेस अकाउंट, वो बंद हुआ, मेरा इंडिविजुअल बंद हुआ, रंजीत का बंद हुआ। अब मेरा इंडिविजुअल बंद था, मैंने सेपरेट कंपनी की डिटेल पे LTD पे वाइस को रजिस्टर किया था, उसके लिए मैंने फिर ना वो जब नहीं किया, मैंने कहा कि ये आपका अकाउंट किसी और अकाउंट के साथ गया था वो लिंक था। ट्रांसफर वाइज की जगह पयोनीज यूज कर लें या पिंग पोंग यूज कर लें, टाइड यूज कर लें, वो ज्यादा बेटर है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको अब अकाउंट ओपन नहीं करने देगा ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज की वजह से।
इन्वेस्टमेंट पे बाइंग के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा फिलहाल तो लोग मर्करी और पेयोनीट यूज कर रहे हैं, ये बढ़िया क्या है। एक अकाउंट मतलब मैंने सर्च करके फिनटेक वेब्स जितने थे मैंने सबके ऊपर तकरीबन एप्लीकेशन दे दी, मेरे नए फाइनेंशियल ईयर वो एक अकाउंट अप्रूव वो तो वर्चुअल कार्ड देता है रिले फाइनेंस में, तो वो यूज कर लें वो भी ठीक है। क्लीन कार्ड यूज कर लें, क्लियर कार्ड यूज कर लें, क्लीन के एल डब्ल्यू एन कार्ड्स वो भी वर्चुअल कार्ड दे देता है आपको, क्लियर के एल ई आई आर शायद आई ई आर कार्ड्स वो भी दे देता है वर्चुअल कार्ड, जैसे ले फाइनेंस वाले भी दे देते हैं। सर मल्टी करेंसी बैंक में आप वाइस के अलावा क्या आते हैं? पेयोनी ज्यादा बेहतर है, पेयोनी वो बंद नहीं होता, इस तरह बंद नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करें कि ट्रांसफर वाइज जो यूज करें अगर है भी तो उसको कभी भी ऐसे इंटरनेशनल इंटर अकाउंट ट्रांसफर उसमें ना करें। अमेजोन से पेमेंट आए अमेजोन से जाए और अपने किसी फ्रेंड फैमिली को भेज दें और नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ बैंक के लिए जैसे मर्जी यूज करें, कार्ड स्वाइप करें जो मर्जी यूज करें कोई इशू नहीं, कार्ड से ऐड करने एक तो पड़ेगा ना, अभी सेफ तो है ना, नहीं वो डॉलर तो महंगे काटते हैं, डॉलर तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी बैंक का इशू है आपका, उनका नहीं इशू, उनको डॉलर लेने तो यहाँ वाले डॉलर महंगा बेच रहे हैं। पेयोनीर हाँ पेयोनीर के डॉलर्स खरीदे जा सकते हैं एक्सचेंजर से, पेयोनीर का इशू नहीं है, पेयोनीर के डॉलर जैसे आपने लेनी है तो आप पेयोनीर से लेके ट्रांसफर वाइज भेज दें वो भी ठीक है, पेयोनीर के किसी से डॉलर खरीद लें पेयोनीर के भेज दें वो भी ठीक है, पेयोनीर जो है वो बंद नहीं होता। जी मुतासिम अली बोलें। सर यूके में मुझे सप्लायर्स हंट करने में इशू आ रहा है, सप्लायर्स मिलते भी हैं तो वो प्रॉफिट मार्जिन कोई खास नहीं होता, उससे सस्ता अमेजोन पे होता है, मतलब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक भी हो तो दूसरे जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने इतना सस्ता लगाया हुआ होता है, और मुझे 2 मंथ्स हुए हैं, 2 मंथ्स में सिर्फ 350 पाउंड की सेल आई है मुझे। आप अपनी कैटेगरी चेंज करें, वीपीएन को अपडेट करें, और आप जो है वो अगर एक कैटेगरी पे जा रहे हैं तो उस कैटेगरी को चेंज कर लें, मतलब आप हो सकता है कि आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसमें आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आपका वीपीएन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, तो आप उसके ऊपर सप्रेस लिस्टिंग को सर्च करने की कोशिश करें, करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स को सर्च करने की कोशिश करें, फिर आपको प्रोडक्ट्स मिले। सही है, और सर मैं ये वाला तो मैं खुद चला रहा हूँ ना अकाउंट, मैं चाह रहा हूँ कि एक यूएसए का अकाउंट बना के वो किसी को दे दूँ, कोई प्रोफेशनल या वो हो तो आप कोई रिकमेंड करेंगे उसके लिए? आपको आपकी ग्रुप से ही मिल जाएंगे लोग काफी, आपकी ब्रेकली के अपने भी होते हैं कोई, मतलब अपने मतलब मतलब आपकी टीम में से कोई? नहीं हमारी टीम अकाउंट हैंडल नहीं करती, तो आप ये है कि इसमें स्टूडेंट्स ही हैंडल कर रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स ही रेफर कर रहे होते हैं, तो दूसरा ये कि अभी कुछ दिनों में हमारी लैब स्टार्ट हो रही है तो लैब में जो लोग आएंगे काम कर रहे होंगे उनको रिकमेंड कर देंगे आप। ठीक है जी इब्राहिम बिलाल, ट्राई कर लूं मैं जी, ट्राई कर लें लेकिन वेट करें अभी क्लासेस होने देना,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोलें सर, ये स्मॉल रिटेलर्स का आपने लास्ट क्लास में बताया था, तो सर इसकी इंस्पेक्शन किस तरह करें कि ये ऑथेंटिक हो? जी। आप कोशिश करें कि उसके रिव्यू चेक कर लें ट्रस्ट पायलट पे। ट्रस्ट पायलट। और सर ये स्मॉल रिटेलर सर, अगर बल्क ऑर्डर इनको करेंगे तो ये इश्यू तो नहीं करते कोई? नहीं, इशू नहीं करेंगे। सर कोई वे है कि बिजनेस नेम और जो एड्रेस शो हो रहा होता है नहीं, वो हाइड कर दें हम? वो आप अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके देखें, वहां पर शायद एड्रेस हाइड करने का ऑप्शन है, लेकिन सर प्रोडक्ट हाइड वो चेक किया था लेकिन वो हो ही नहीं रहा। बस वो फिर एड्रेस नहीं करता है अमेजोन ना, हाइड नहीं करता। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था लास्ट के, जो बिजनेस प्राइम हम बनाते हैं यूएसए में, तो उसमें तो हम टैक्स एग्जेम्प्ट वगैरह कर लेते हैं सर, यूके में हो सकता है वैट एग्जेम्प्ट? नहीं, यूके में बैड एग्जाम बिजनेस प्राइम का नहीं होता। सर कुछ लोग कर रहे हैं सर, वो करके देते हैं, वो कहते हैं वैट एग्जेम्प्ट होगा, वो कहते हैं को पता नहीं जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता अगर है, सबमिट करवाते हैं। जी होता है, वो किसी और तरीके से होता है, उस पे वर्किंग जारी है, वो आप मेरे से 2 से 3 क्लासेस के बाद पूछ लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। शाजी उजमान आप बोले। शाजी अस्सलाम वालेकुम उजमान सर। सलाम जी। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा कि यूके की टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से था, प्राइम की। जी, वो टैक्स एग्जाम नहीं होगा, मैंने पहले बताया कभी नहीं होगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वैट नंबर सबमिट करना पड़ता है, और उसमें जो है वो आपको मैं कोई ना कोई पर्सन रेफर कर दूंगा 1-2 दिन, 1-2 क्लासेस के बाद, जो आपको ये आईडी कर देगा, प्रोवाइड कर और देगा, सर शिपिंग लेकिन का ऐसे आपने वैट बताया एग्जाम नहीं, नहीं शिपिंग होगा। जी बोले। टाइम का आपने बताया था, तो मैं आपको अगला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जिससे बाय बॉक्स हम लोगों को मिल सकता शिपिंग टाइम का क्या बताया था मैंने? सर। आपने कहा था कि वो जो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस आपको कैसे बढ़ सकते हैं, वो शिपिंग की मैट्रिक्स बताऊंगा आपको। शिपिंग टाइम कम करके, शिपिंग टाइम कम सही करके मतलब आप फास्ट फास्ट शिपिंग ऑफर करके। सही। अच्छा सर, एक और सवाल ये था कि जी और यूएसए क्वेश्चन की, कोई? जी, सर अस्सलाम वालेकुम सर। यूएसए के अंदर जो जी है ब्रेक्स बोले। का बैंक अकाउंट चल रहा है, ब्रेक्स, ठीक है ठीक तो सर उस पे अकाउंट कैसे बना है। सकते हैं, अगर कोई कोई बंदा ऐसा है कि जिससे हम लोग कोऑर्डिनेशन कर सकें, इसलिए कि उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, उसमें हम लोग कैशबैक्स वगैरह इस तरह का एडवांटेजेस मिलते हैं। बिलाल से बात कर लें, जो फर्स्ट क्लास में आपके साथ नंबर शेयर किया एलएलसी क्रिएशन वाला, जी उससे जी बात कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर ठीक आजकल जो है, अभी हम लोग जो चीज़ें कुछ पूछ रहे हैं, तो वो आजकल जो है वॉलमार्ट के कूपन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो सर इस तरह आवाज का नहीं कोई, आ रही अगर आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल वॉलमार्ट के कूपन्स बहुत सारे चल रहे हैं, 30% 50% ऑफ के। सर आवाज़ आ रही है? हेलो जी मोहम्मद शाह जी, आप बोले। जी सर, मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन था कि लास्ट क्लास में आपने सॉफ्ट अप्रूवल का बताया था, तो जी सर उसमें ये एक जगह पे तो आता है ना, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट ब्रांड, और एक आ रहा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस कैटेगरी, तो वो कैटेगरी का सर हम किस तरह ले सकते हैं? कैटेगरी एंड गेटिंग जो है वो विद इनवाइसिस और विद इमेजेस होगी, वो एक क्लास आएगी उसके अंदर आपको बता दूंगा मैं, सस्पेंशन वाली क्लास में, कि आपने कैटेगरी कैसे अनगेट करवानी। जी चलें ठीक है सर। उस्मान इकबाल बोलें। सर सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें। सर ये अभी मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, पूछना ये है कि एलएलसी की डिटेल पे बना रहा हूँ, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या बिजनेस टैक्स क्लासिफिकेशन? बिजनेस ठीक है सर। अच्छा सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम यूएसपीएस से ट्रैकिंग ले रहे हैं या वॉलमार्ट से ले रहे हैं,
तो इससे ओरिजिन ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशन तो नहीं आएगी हमें, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि ओरिजिन की भी आ जाती है कि आप के हर ट्रैकिंग डिफरेंट ओरिजिन से है। जी आपकी आ सकती है, मतलब ओरिजिन से भी आ सकती है, मतलब आप अमेजोन आपसे ये कह सकते हैं कि आप डिफरेंट ओरिजिन से भिजवा रहे हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम लोगों को ये कहा गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक ठीक है सर। है, अब इसके अलावा जिन लोगों को ट्रैकिंग के इश्यूज आ रहे हैं वो आपको मैंने बताया था कि थैंक यू कार्ड आप भेज सकते हैं, थैंक यू कार्ड या वॉलमार्ट से कोई चीज लेके भेज दें तो उसका ट्रैकिंग आप यूज कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग आपकी जेन्युइन ट्रैकिंग देगी और वो ट्रैकिंग की वजह से अमेजोन आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस नहीं भेज सकता। ठीक है, उसका जो है वो एक आधा मैं आपको सैंपल भिजवा भी देता हूँ जहां से आप ले सकते हैं। सर काइंडली ये रिपीट करिएगा, थैंक यू कार्ड वाला। अपना जी चेक कर लें, ग्रुप चेक कर लें, वहां पे सब कुछ भेज। अब ये वाला जो है थैंक यू कार्ड एक मैंने भी देखा है अभी, ये जो है तकरीबन 0.50 सेंट का है, इसके ऊपर एक ना वो आ रहा होगा आपके, इसके साथ ही इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आ रहा होगा वो प्रोमो कोड, आप प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको वैसे ही ये कुछ डिस्काउंट दे देगा, तो कुछ 30 सेंट 35 सेंट के करीब पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इसके अलावा बहुत सारे जैजल पे एटसी भरा पड़ा है, कोई भी सप्लायर यूज कर लें, कोई भी थैंक यू कार्ड यूज कर लें तो वो यूज किया जा सकता है। ठीक है सर, जी इनकी बोले शिपिंग जी हैंडलिंग जी ये 3 से 4 दिन में ट्रैकिंग आएगी, 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन, वैसे तो 1.5 से 5 दिन है, 1.5 दिन से 5 दिन, तो लेकिन ये कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आ जाते हिसाब हैं। हाँ, से एनी टाइम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो लो भी कर सकते हैं। और सर जो पूछा आपने USPS वाला, उसकी अकाउंट क्रिएशन में जो है वो एक चीज आती है हमाद मुगल को ऐड नहीं पर्सनल किया अभी तक आपने फेसबुक ग्रुप में? जी हमाद मुगल, हमारी तरफ से सब लोग ऐड हो गए हैं, आप अपने आप को दोबारा चेक करें कि आपको अभी तक ऐड क्यों नहीं किया गया, आप अपनी सही आईडी से लॉगिन करें और एक आईडी एक ही दफा जो है वो ऐड हो सकती है। 1.8 का अभी तक कोई भी जो है पेंडिंग नहीं है, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं। जी बोलें। सर USPS के अकाउंट क्रिएशन में है, एक दिन पे मैं थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था पर्सनल या बिजनेस कहाँ पे, किस पे? हाँ USPS के अकाउंट जी, क्रिएशन। हाँ जी, अगर LLC है तो बिजनेस, इंडिविजुअल है तो पर्सनल। जी उस्मान इकबाल, क्वेश्चन हो गया आपका? सुबह उस्मान जी, बिलाल इब्रार आप बोलें। अस्सलाम सर, सर वो पूछना था अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट पे एड्रेस चेंज करना तो उसका कोई मेथड है? किस पे चेंज करना है एड्रेस? अकाउंट सर वो ये 2 या 3 मंथ ओल्ड है, उसका एड्रेस जी चेंज करना है एड्रेस किस चीज का, सर, वो शिपिंग रेजिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस? रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल एड्रेस। जी आप एड्रेस चेंज करेंगे तो अमेजोन आपसे वेरिफिकेशन ओपन करेगा, मतलब वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आपको वेरिफिकेशन दोबारा देनी पड़ेगी, एड्रेस सर वेरिफिकेशन में क्या चीज़ वो मांगेगा सर दोबारा? प्रूफ ऑफ एड्रेस। ओके जी मोहम्मद, ये मोहम्मद हमजा, देखो यार चले कोड होने दिखाओ, वहीं वहीं पर बस घुमा दो, सर। रखो ये। शाम बोले अरे हम सेफेस्ट वे के लिए किसी प्रेप सेंटर के अंदर पैकेज भिजवा के तो उसको रीपैक करवा यूएसए के भेज। का है, यूएसए का आ रहा है तो सर यूएसए पे सारी ग्लोबली है वो वाला चल रहा है, यूएस पे चल रहा है, इनके बंद कर दिया अकाउंट ओपन करें। जी हमजा सर बोल दें, बोले मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही जी आ रही है, बोले। सर ये पैकेजिंग का जो इश्यू आता है उसको रिजोल्व करने के लिए हम कहीं से लेके प्रेप सेंटर के अंदर अगर भेज के उधर से प्री पैकिंग करवा के भेज सकते हैं जी कस्टमर कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। सर
सर उसमें प्रॉफिट का इशू तो नहीं आता कोई प्रॉफिट उसमें कम हो जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि आप डबल शिफ्टिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं ना एक जगह से लेके फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो उसको इसलिए वो हो सकता है वो ठीक है ना लेकिन ये कि वो वर्क काफी लोगों के लिए कर रहा है क्योंकि वॉलमार्ट पे काफी ऐसी आइटम्स मिलती हैं जिसमें जो है वो काफी ज्यादा जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसमें वो एक सप्लायर एक जगह पे आता है वहां से फॉरवर्ड होता है और नई ट्रैकिंग चेंज होती है और वो आगे चला जाता है उसके लिए मैं लिख के भेज रहा हूँ एक XPS सर्विस ये सप्लायर आप यूज कर लेंगे ये होलसेल टाइप है जो कि अच्छी शिपिंग कॉस्ट आपको करेगा XPS सर्विस थैंक यू सर ये ट्रैकिंग नंबर कौन से डाले थे आपने सर ये जो यूके में हो रहा था ये Amazon टू Amazon ट्रैकिंग कौन से डाली थी Amazon नहीं सर वो थर्ड पार्टी एक कंपनी के साथ सही से बताओ ना क्या किया है सर वो बंदा कर रहा था मैं नहीं कर रहा तो वही उसे पूछो ना Amazon की ट्रैकिंग नहीं है पहले इसने कितने ऑर्डर्स सपोर्ट किए यूके में सर वो तकरीबन 150 से टोटल कितने देर में सर तकरीबन 2 माह 300 पे उसमें कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो आपने कोई गेटमो ट्रैक्स टाइप की चीज यूज की थी ये वो कर रहा है उसको इसमें पूछ के बताना फिर बताऊंगा जी और क्वेश्चन हमजा सर्वर हो गया क्वेश्चन आपका जो ऑनलाइन जो लोग हैं किसी और का क्वेश्चन आपने असाइनमेंट करनी है और असाइनमेंट जो है वो इसी के नीचे जो ये ब्लैक लाइन है इसके नीचे आप कर लीजिए ठीक ऐसा लगता है इसको मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिए ठीक लेकिन ये क्योंकि आपने जो है ना ये इंगेज इन डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट इलीगल एक्टिविटी ये तीन वर्ड यूज किए डिसेप्टिव धोखा फ्रॉडलेंट फ्रॉड की आपने इलीगल मतलब आपने इलीगल एक्टिविटीज ये तीनों एक्टिविटीज तब होती हैं जब आपने ऑर्डर को शिप किया हो लेकिन रियल में डिस्पैच नहीं किया ये सेल ग्लोबली के थ्रू चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है सेम ईमेल आईडी यूज कर लें जब आप डिफरेंट ईमेल आईडी यूज करते हैं तो Amazon अक्सर आपको लिंक कर लेता है और लिंक अकाउंट की आपको सस्पेंशन भेज देता है तो आप कोशिश करें कि एक ही ईमेल आईडी के थ्रू सेल ग्लोबली करके आप यूज कर लें अकाउंट ज्यादा बेहतर है नहीं तो आप किसी घर वहां पे कार्ड चलेगा यूके का यूएसए में नहीं चलेगा तो उसके लिए तो मुझे एलएलसी चाहिए ना जी एलएलसी चाहिए उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए तो मतलब मैं एलएलसी बना लूं यूएसए में लेकिन सेल ग्लोबल वाले से वो करूं जी 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 उस्मान शाह अस्सलाम वालेकुम सर मैंने पूछना था कोई प्रेप सर्विस आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसे पैकिंग चेंज करवाई जा सके कोई टेस्टेड हो काफी लोग हैं जो कि एक स्टूडेंट ही है मेरे उन्होंने बनाई है अच्छा। उनका नाम नंबर आपको इसी में लिख के भेज रहा हूँ इनसे आप बात कर सकते हैं फॉर फॉरवर्डिंग सर्विस के लिए ठीक है ठीक है नुमान खान मैंने नंबर भेज दिया इनसे बात हुई वैसे आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो काफी लोग मिल जाएंगे जी और भी क्वेश्चन किसी का जो ऑनलाइन लोग हैं जी आप बोले सर आपने वॉलमार्ट का पहले कुछ बताया था कि वॉलमार्ट प्लस है तो हमें उससे जो है वो नहीं करना चाहिए या कोई मतलब थर्ड पार्टी उसका जो सप्लायर है उससे हम फिर भी कर सकते हैं सेलिंग या जी जी वॉलमार्ट की पैकेजिंग चली जाए सैमसंग की चाहिए तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है ना तो सर जो दूसरे थर्ड पार्टी सप्लायर है
उसके अंदर ही वॉलमार्ट के जरिए से, हाँ जी वो यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं ठीक जी। और जी ऑनलाइन जो लोग किसी के जी क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे से जी। हमाद मुगल बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये ना यूपे का अकाउंट साइन अप किया था, तो अभी उसमें क्या है कि वैसे गलती हो गई थी ये कि मैंने साइन वाला जो पासपोर्ट का था वो नहीं सबमिट कराया था, तो उन्होंने जो वीडियो वेरिफिकेशन में यही बोला कि मतलब 2 मिनट की हम आपसे वेरिफिकेशन करेंगे, ये सवाल वगैरह उन्होंने करके उन्होंने ये बोला कि मतलब आप ये जमा करा दो तो फिर हम अकाउंट वो कर देंगे, तो दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन होगी या बस अब मैं डॉक्यूमेंट दोनों सबमिट करा दूँ तो हो जाएगा? दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन शायद ना हो क्योंकि एक दफा हो चुकी है, लेकिन आप दोबारा सबमिट कर दें तो अगर वीडियो वेरिफिकेशन की ईमेल आती है तो आप वीडियो वेरिफिकेशन दोबारा कर लें। ठीक है, मतलब अब कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तो उन्होंने नहीं मांगा, वही बैंक स्टेटमेंट और अपना जो पासपोर्ट है उसको वही मांगा जी, वही पासपोर्ट ही, ऑब्वियसली वो पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट ही मांगेंगे, उन्होंने शायद उसके ऊपर साइन पेज नहीं होगा इसलिए उन्होंने कहा होगा कि आपको कंप्लीट पासपोर्ट जी जी साइन। जी और भी क्वेश्चन, तो आप लोगों ने असाइनमेंट लाजमी करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन देयर इज आपको जो है वो आपके चांसेस कम है कि आपको ज्यादा अच्छा जो है प्रॉफिटेबल आइटम्स मिले, तो आपका वो हंटिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ब्रांड्स हैं सिंपल, ये दूसरी है ड्रॉपशिपर है, ये फाइन ब्रांड्स हैं, ब्रांड हंट किए हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स भी तो हंट करनी है ना, अब आप इसके नीचे सेलर्स हंट करते हैं सेम फॉर्मूला के तहत। ठीक है, सर मैंने यूएस का अकाउंट एक बनाया था, उसमें जो कार्ड उसमें भेजा था पोस्ट कार्ड, तो वो पहली दफा तो नहीं आया था, अगेन ट्राई किया अभी उसने 25 फरवरी का टाइम दिया, अगर वो कार्ड नहीं आता दोबारा करें ना, ऑब्वियसली वो लॉस्ट हो गया होगा, गुम गया होगा, पाकिस्तान पोस्ट ने नहीं भेजा होगा, ऐसा इशू होगा, या उनको शिपिंग लेबल खरीद के देते हैं फेडएक्स का, DHL का, अपने उसको वर्चुअल एड्रेस वालों को ये लेबल लगा के मुझे भेज दें तो वो आ जाएगा। वो नहीं आ रहा तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको यूएसए में किसी एड्रेस पे मंगवा लें, एड्रेस चेंज कर देते हैं। जी बिलाल इब्रार बोलें। सर ये अगर कैंडर मैक्सिको में स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, उसमें टैक्सेस क्या है, मतलब अमेज़न फीस के अलावा कोई टैक्स वगैरह देना पड़ता है हमें? टैक्स नहीं देना, आपने इनकम टैक्स ही देना है, वो जो करेगा और जमा करा देगा जी। ओके सर, ठीक है जी, ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी। बोले सर, मुझे कोई कल का टाइम देते हैं, मैं उस बंदे से सारी डिटेल